लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। खतरे के करीब है यमुना का जल स्तर, दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी, इंडिया इमोशंस न्यूज। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हरियाणा में यमुना नदी तथा अन्य बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हथनी कुंड बैराज से 1.31 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जल स्तर चेतावनी के स्तर को छू गया है। दिल्ली सरकार के बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के मुताबिक दिल्ली में यमुना के पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बारिश होने तथा कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। रावी, ब्यास और सतलुज, यमुना, पथराला तथा सोम नदी के उफान पर होने के मद्देनजर आसपास के इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सलाह दी है। यमुनानगर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया। हथनी कुंड बैराज से कल 1 लाख अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया तथा आज भी 1,11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे दिल्ली तक के निचले इलाकों को खाली करा लिया। कई स्थानों पर बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हिमाचल में भारी वर्षा से पंजाब तथा हरियाणा के बरसाती नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण हथनी कुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए, जिससे कई बिजली परियोजनाओं पर उत्पादन बंद हो गया। पठानकोट से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल में भारी वर्षा से चक्की नदी में जल स्तर बढ़ने से एयरपोर्ट को जाने वाली रोड का कुछ हिस्सा बह गया। इस रोड को करीब 5 माह पहले 1.70 करोड़ की लागत से बनवाया था। नदी पर बने रेलवे पुल को भी खतरा बढ़ता जा रहा है तथा इसके पास बने सैनिक अस्पताल की दीवार को भी खतरा बढ़ गया है। पुल के नीचे की जमीन धंसनी शुरू हो गई है। हिमाचल में भारी वर्षा के दौरान भूस्खलन के कारण अनेक लिंक रोड बंद हो गए हैं तथा आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगले 24 घंटों में भी भारी वर्षा के आसार हैं। एक मंडी में 56 मिमी, शिमला 47 मिमी, सुंदरनगर 64 मिमी, मनाली 12 मिमी, सोलन 100 मिमी, पंडोर 52 मिमी, सुजानपुर टीरा 22 मिमी, रामपुर 45 मिमी, ऊना 37 मिमी, आरएल 1760 मिमी, नादौन 20 मिमी सहित अनेक स्थानों पर औसत से भारी वर्षा हुई। पंजाब तथा हरियाणा में भी पिछले 24 घंटों में हल्की से भारी वर्षा हुई। करनाल 32 मिमी, अमृतसर 41 मिमी, दिल्ली 45 मिमी, अंबाला 58 मिमी सहित कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई तथा कल तक अनेक स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। एक क्षेत्र में बादल छाए रहे तथा चंडीगढ़ सहित इसके आसपास हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा रहा।